बड़ी अजीब है नादान दिल की ख्वाहिश या रब, अमाल कुछ भी नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का, और जो फैसला मेरा रब करता है यकीन मानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता वो फिर भी मुस्कुराते हैं जानते हो, क्योंकि वो अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। सिर्फ अल्लाह है जो एक सजदे से अपना बना लेता है, वरना यह इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होते। किसी की अमानत को देखकर हैरान ना होना, खुदा तुझको भी देगा परेशान ना होना। बेशक मेरा रब उसी से खुश होता है जो अपने आप से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है पर उसके देने में नहीं। उसकी रहमतों का मुझको हर वक्त आसरा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खुदा अपने बंदों को भूल जाए। जब अल्लाह किसी को मुश्किल से निकालना चाहता है तो उसके लिए ऐसा रास्ता बनाता है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। जिंदगी गुजर जाएगी अच्छे से, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जो करता है अल्लाह करता है, और जो अल्लाह करता है बेहतरीन करता है। वो दिल सुकून में रहता है जिस दिल में अल्लाह के रसूल है। रो कर मांग लिया करो खुदा से, उसे किसी के रोने से हंसी नहीं आती। ए अल्लाह, हम मोमिनों के दिलों में नमाज की तड़प पैदा कर। मैंने हर उस शख्स को कामयाब देखा जिसको 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। सुकून की तलाश में हो सजदे में रोया करो। जब सब्र आ जाए तब सब कुछ भी छीन जाए फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो, क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। राजी कर लो अपने रब को, हमें उसी के पास लौट कर जाना है। दुआ की कुबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा मांगती है। सिर्फ अल्लाह ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा होता है।